मुझे नहीं लगता कि वो जानते भी होंगे, बिकॉज पहली बात तो दोनों बहुत छोटे, वन एज सिक्स वन एज थ्री, एंड आई एम श्योर आई थिंक जब वो बड़े होंगे व्हेन दे विल लुक एट द मिडल्स दे विल डेफिनेटली आस्क मी, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि दे शुड नॉट लुक एट मी एज अ वर्ल्ड कप विनर, दे शुड लुक एट मी एज प्रॉब्ली गुड ह्यूमन बींग. वो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी जिंदगी में, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी माय बिगेस्ट अचीवमेंट. जिस दिन वो ये बोलेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, नॉट व्हाट ही डिड ऑन द क्रिकेट फील्ड बट व्हाट ही इज ऑफ द फील्ड. 2007 जब मैंने मिस किया था वर्ल्ड कप, उसके बाद मुझे लगा था कि आई डोंट थिंक सो माई चाइल्ड हुड ड्रीम. तो व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप आई रिमेंबर कि 1992 में इंडिया एक रन से मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आई थिंक गाबा में वो मैच था. He's got it, it's six, could it be? He's coming around Matt Taylor, this is Steve Waugh. He's dropped it. He's got to go back for the third, come on, run. They're running. It's goal, oh, they win by one run, Australia, what a finish. He dropped the catch, but the throw was good enough and the runner was not fast enough, so India miss out by one run to tie. A great victory for Australia, but what a good effort by India. Or I cried a lot, probably I don't show too many emotions. तो मेरी नानी ने मुझसे पूछा था कि इतना इमोशनल क्यों, ऐसा वो विन द वर्ल्ड कप बिकॉज उस मैच के बाद. तो जब 2007 तक वो चीज़ नहीं हुई, जब मैंने 2007-50 वो वर्ल्ड कप मिस किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ फेस था, क्योंकि जब आप इतने वर्ल्ड कप्स मिस करते हो तो उसके बाद आपको लगता है कि शायद ये कभी आपकी ड्रीम फुलफिल नहीं होगी. मेरी ड्रीम कभी भी 100 टेस्ट मैच खेलने की नहीं थी, या 10,000 रन बनाने, या 30-40 100 बनाने की नहीं थी, वर्ल्ड कप जीतने की थी. लेकिन फॉर्चुनेटली 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप आया. फेबररी में 50 ओवर वर्ल्ड कप था, सितंबर में T20 वर्ल्ड कप था, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ किसी ऑफ एनी सॉर्ट, और स्टार्टेड ऑफ विद अ डक अगेंस्ट पाकिस्तान. देन आई रिमेंबर जब मैं वापस रूम में आया था, द स्क्रिप्ट कांट फिनिश लाइक दिस बिकॉज आई वेटेड फॉर दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग, एंड इफ यू वेटेड फॉर समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इफ यू मेड योर वर्ल्ड कप डेब्यू, जो मुझे लगता था T20 वर्ल्ड कप मेरे लिए इतना ज़्यादा क्लोज नहीं था मेरे दिल के, क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज ओनली 50 ओवर वर्ल्ड कप, लाइक यू आई एम श्योर व्हेन यू वर ऑल्सो ग्रोइंग अप T20 इट हैपन्ड during the course of the journey, but 50 over World Cup was the actual World Cup. So jab hum jeete bhi T20 World Cup, mera ultimate dream was ki I want to be part of the 50 over World Cup. So jab wo fulfill hua to kahin na kahin wo bahut satisfying tha. And I remember ki jab Bangladesh mein khel rahe the pehla match tha mera, wo in fact main apna World Cup debut hi keh sakta hu, to wo kahin na kahin mere liye bahut zyada nervous, probably us match mein main sabse zyada nervous tha as compared to even World Cup final. Last ball of the innings in the slot, whacked away, what a way to end the innings, all the way for six, momentum for Sri Lanka, 18 from the last over, they believe, Sri Lanka believe. Aaj aapko pass score 300 aise lagta hai kyunki aaj rules aur regulations bahut badal gaye hain. Us time par ek naya ball hota tha, theek hai, 10 over ka circle hota tha, ek power play aap kabhi bhi le sakte the, plus जब 275 चेज का एक टाइम पे हमें नहीं लग रहा था कि श्रीलंका 275 बना पाएगी, वो तेसरा परेरा ने आके एंड में एक वो कैमियो खेला, देन 275 वाज अ वेरी गुड टोटल. बट सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि इट वाज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो जो लंच खत्म किया बाय द टाइम आई एक्चुअली इवन वाज रेडी टू पैड अप, कि मुझे याद है मैंने सिर्फ थाई गार्ड और थाई गार्ड ही पहना होगा, मैंने पैड्स भी नहीं पहने थे. तो वीर गॉड आउट एंड गुड थिंग दैट हैपेंड वाज दैट ही टुक अ रेफरल, तो आई गॉट सम टाइम आई टू पैड अप. And I knew that he was out because कई बार आपको वो कंप्यूटर एनालिस्ट की जो स्क्रीन है उस पर जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू द बिग स्क्रीन, तो वहाँ पर आपको लगा था कि इट्स गोना बी आउट. तो आई पैडेड अप क्विकली एंड आई वेंट इन. तो जब आपके पास सोचने का भी टाइम ना हो, क्योंकि कई बार आप नंबर 3 पे बैठे हो और आप वेट कर रहे हो अपनी टर्न की, और आपको फिर कई बार लगने लगता है जब क्राउड ऐसा हो चिल्ला रहा हो, और फिर वो ओकेजन कई बार यू स्टार्ट फीलिंग इट कि वर्ल्ड कप फाइनल है क्या होगा. लेकिन जब आपको मौका ही ना मिले, बाय द टाइम यू रियलाइज यू आर एक्चुअली इन द मिडल फेसिंग लसिथ मलिंगा, so then you're not thinking that it's the World Cup final, then you're thinking that how to face that particular delivery and that contest. So that probably was a blessing in disguise for me, because I am someone who hate waiting for my turn, and that was probably the reason why I started opening the batting. Yeah, I could just not wait for my turn because of my impatience. Jab tak maine realize kiya, I was actually taking my middle stump or leg stump guard facing Lasith Malinga. Rushing in was the fielder at square leg. That's a boundary to Gautam Gambhir. Gets off the mark with a nice clip on the leg side. मुझे लगता है लोगों ने बहुत बात करी है इसके बारे में कि MS नंबर 5 पर है, उसका क्या रीज़न हो सकता है. मुझे लगता है बिकॉज राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, प्लस श्रीलंका उस मैच में 3 ऑफ स्पिनर्स के साथ खेल रही थी, मुरलीधरन, सूरज रणदीप एंड दिलशान. सो दे हैड 3 ऑफ स्पिनर्स एंड हैविंग 2 लेफ्ट हैंडर्स इन द मिडल मेड वुड हैव मेड नो सेंस
एंड देन उसके बाद एम एस आते हैं, उसके बाद सुरेश रायना अनदर लेफ्ट हैंडर. सो प्रॉब्ली एम एस इन मी एक्चुअली रन वेल अलॉट. वी हैड सम मैसिव पार्टनरशिप इवन बिफोर दैट पार्टनरशिप. वी ओनली कीप टॉकिंग अबाउट दैट वर्ल्ड कप, बट उससे पहले वी एक्चुअली बैटेड अ लॉट टुगेदर ड्यूरिंग आर इंडिया ए डेज इज वेल. वी हैड ह्यूज पार्टनरशिप ड्यूरिंग इंडिया ए टोर्स एंड इवन ऑन द श्रीलंका टोर वेर आई गॉट अ 150, ही गॉट अ 90 ऑड. सो प्रॉब्ली दैट वॉज वन रीजन वी यूज टू रन वेल अलॉट. वी यूज टू रोटेट स्ट्राइक लॉट एंड दैट टाइम यू डिन You didn't need to chase what 8 runs per. You only need to chase 5.5-6 runs per over, and we knew that if you have another partnership, I think things can get very easy. So I wasn't surprised that MS was promoted. There'll be an applause from the crowd because they've spotted that these two guys have put on 100 runs for the fourth wicket. I think one thing is very khatakti hai. Wo hamesha us time pe bhi khatakti thi. I should have scored the last run because that was my responsibility. Agar shayad hum wahan se World Cup nahi jeet paate. तो मुझे लगता है मेरे को पूरी ज़िंदगी उस रिग्रेट के साथ रहना पड़ता. बिकॉज जब आप वर्ल्ड कप फाइनल के लिए जाते हो जी बिल्कुल आप गेम फिनिश. एंड मैंने हमेशा पहले भी बात बोली है कि इट डजेंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, ऑल दैट मैटर इज़ हाउ यू फिनिश. सो जो आखिरी रन बनाता है, और जब मैं सेट था तो मुझे और एमएस को ख़त्म करना चाहिए था. शायद वहाँ से वो जो थोड़ा सा ब्लिप आया, अगर वहाँ से हम नहीं जीत पाते तो वो बहुत बड़ा रिग्रेट होता. और अगर एक दिन पहले या एक रात पहले मुझे किसी ने ये बोला होता था कि यू वुड स्कोर 97 एंड बी पार ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल, आई वुड हैव टेकन इट. बिकॉज एज अ बैट्समैन जब आप मैदान पे उतरते हो, बीच में उतरते हो, तो आप सिर्फ जीरो लेके उतरते हो. एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम जीरो इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. सो इट डजेंट मैटर वेदर आई हैव मिस्ड थ्री, ऑल दैट मैटर्स इज दैट आई हैव स्कोर 97, विच इज फ्रॉम जीरो टू 97 इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. नॉट लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली डन दैट. ईदर यू सी ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड. बट अगर वर्ल्ड कप जीतना वॉज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू स्कोरिंग 100, यू टेल मी हाउ मेनी पीपल रिमेंबर महिला जयवर्धने इज 100. आई नो इट वुड हैव बीन आइसिंग ऑन द केक हैड आई गॉट 100, बट इट वुड हैव बीन इवन अ बिगर आइसिंग ऑन द केक हैड आई फिनिश दैट गेम, कम आउट अनबीटन, बिकॉज दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश ऑफ द गेम. एंड इन दोज बिग गेम्स यू डोंट लेट समवन एल्स टू डू इट जस्ट बिकॉज यू आर सेट एंड यू वॉन्ट टू डू दैट जॉब फॉर द टीम. Not leave it for someone else to do it, and that is what professionalism is all about. So, wo regret zarur tha when I was actually walking back in the dressing room that probably I shouldn't have left it for someone else. The reason is that anything can happen, and we've seen that some crazy things have happened on those big occasions. जब कोई एक normal Indian आपको thank you बोलेगा ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी trophy है, वो आपकी सबसे बड़ी achievement है. Because बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये बोला जाएगा कि thank you for winning the World Cup. और एक्चुअल अचीवमेंट वो किसी भी मेडल, किसी भी जर्सी, किसी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी और किसी भी मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी से बहुत बड़ी है. जब एक कॉमन आदमी आके आपको ये बोले इट वाज योर इनिंग दैट वन द वर्ल्ड कप, सो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है किसी भी खिलाड़ी के लिए ग्रोइंग अप एज अ किड. इवन नाउ व्हेन आई हैव रिटायर्ड, व्हेन पीपल कम अप टू मी, दैट्स माय बिगेस्ट ट्रॉफी.